सबने ये कोट तो सुना ही है, विलन्स वर नॉट बोर्न, दे वर मेड। ऐसा ही यार हमें कई बार देखने को भी मिला है, रियल लाइफ में भी तुमको देखने को मिला होगा, लेकिन बैटमैन की दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे विलन हैं। नहीं ना ही मैं आज की इस वीडियो में मिस्टर फ्रीज की बात करने वाला हूँ, ना ही मैं बात करने वाला टू फेस की, मैं बात करने वाला हूँ सबसे अंडररेटेड विलन मैड हैटर की, ब्रो। ये पूरी बैटमैन की हिस्ट्री का एक ऐसा लोता विलन है जिसे मैं हेट नहीं कर सकता, चाह के भी ऐसे हेट नहीं कर सकता, बल्कि बहुत सारे लोग इसको हेट करते हैं। तो भाई यार मैं तुमसे पूछ जाता हूँ कि आखिर तुम लोग इसे हेट क्यों करते हो? और अगर काफी सारे लोगों को नहीं पता हो कि भाई अगर मैड हैटर कौन है, यार हमने तो ये पहली बार सुना है, तो मैं तुम लोग को समझा देता हूँ। तो मैड हैटर दरअसल एक प्रोफेसर होता है जो कि अपनी जिंदगी से काफी तंग था, लाइक भाई बहुत ज्यादा तंग था, वो अपने आप को फेलियर मतलब, लेकिन उसकी जिंदगी में एक लड़की थी, एक असिस्टेंट भाई, वो उसे हमेशा हौसला देती थी, उसका ऐसा ही स्वभाव था शुरू से सबके साथ। लेकिन मैड हैटर भाई उसके प्यार में दीवाना था, लाइक भाई उसे सिर्फ अपना बनाना चाहता था, लेकिन जब उसे पता चला कि भाई उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, अब भाई हैज यूजुअल यार वो हम सब सिंगल लौंडों की तरह टूट गया, लाइक यार क्यों, यार क्यों भगवान तुम मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। तो मैड हैटर दरअसल एक चिप बना रहा था जिससे वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता, तो उसने सोचा क्यों ना यार मैं अपनी मशूका को कंट्रोल करूं, लेकिन उसने बाद में सोचा यार वो फिर से भी कठपुतली बन के रह जाएगी, तो उसका फायदा ही क्या हुआ यार। भी उससे पता चलता है कि उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया और वो बहुत खुश होता है या भाई मतलब आम सिंगल होने की तरह, लेकिन वो अचानक दुखी भी हो जाता है, क्यों तुम खुद देख लो। अब वो सिर्फ मेरी है, मैं उसे अपनी बाहों में ले लूंगा, सारा शहर घुमाऊंगा, खूब मजे करवाऊंगा और कुछ नहीं। इतनी खूबसूरत लड़की आखिर मुझ जैसे को क्यों पसंद करेगी? इसके बाद उसे आइडिया आता है कि वो क्यों ना अपने इन चिप का यूज करके इसे डेट पे लेके जाए और इसे इम्प्रेस कर दे। वो ऐसा ही करता है, वो अपने चिप से लोगों को कंट्रोल करता है, 5-स्टार रेस्टोरेंट में जाता है और इसे काफी अच्छा ट्रीट करता है, वो काफी अच्छा मानती है, लेकिन यार वो उसके साथ जीवन बिताने की सोच भी नहीं सकती, टू बी ऑनेस्ट। तो हाँ, जब वो दोबारा घर जाती है तब उसे उसका बॉयफ्रेंड दिखता है एंड वो उसे प्रपोज करता है, और जब मैटर खुशी खुशी यहाँ पर आता है तभी वो उससे ये बदकिस्मत न्यूज सुना देती है और वो फिर से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब यूजुअल यार कोई नॉर्मल बंदा होता ना तो वो गिव अप कर देता, ठीक है, अपनी किस्मत को कोसता, लेकिन भाई ये बंदा प्यार में इतना पागल हो चुका था कि उसने उसके बॉयफ्रेंड को कंट्रोल कर दे कि भाई मैं तो उससे शादी नहीं कर सकता, ठीक है। और जब मैड हैटर ने उसे जबरदस्ती करनी चाहिए तो ऑफकोर्स वो उसे नहीं चाहती, तुम किसी को नहीं बना सकते, ठीक है, उसे कठपुतली बना दिया था, बट बैटमैन हियर्स टू सेव द डे, और उसका बॉयफ्रेंड भी उसे बचा लेता है और वो गले लगते हैं। और जरा इस बंदे की एक बार तुम शक्ल देखो भाई, इसे देखकर तुम्हें यार इस पे गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन यार मुझे इस बंदे में बहुत अरसा है कि यार ये बंदा सिर्फ और सिर्फ अपनी तन्हाई जिंदगी में प्यार ही तो चाहता था, और इसे बदले में क्या मिला, सिर्फ निराशा। आई नो यार ये मैड हैटर की गलती, उसने गलत रास्ता अपनाया, लेकिन यार तुमसे पूछते अगर तुम्हारे पास भी ये चिप होती तो क्या तुम इसे यूज करते, या फिर तुम कोई ऐसा रास्ता अपनाते जो मैड हैटर ने अपनाया था अपने प्यार को हासिल करने के लिए। अब देखो सोलो ये मत कहना कि मैं सिग्मा मिलूं, नहीं यार तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई लड़की आई होगी जिसे तुम बेहतिया मोहब्बत करते हो, ये थोड़ा क्रिंज क्यों साउंड कर रहा है, बट यार इसे अंडररेटेड विलन कहने का मोटिव सिर्फ यही नहीं था, एक्चुअली भाई ये विलन उन विलन में से एक आता है भाई जिन्होंने बैटमैन की रियल आइडेंटिटी ढूंढी है भाई अपने बल पे। यस भाई ये जानता है कि भाई गंगाधर बिना ब्रूस वेन ही बैटमैन, और भाई उसे लिटरली भाई सुकियोमी की तरह से अच्छा जीवन देना चाहता था, लेकिन भाई बैटमैन तो वेकअप टू रियलिटी वाला फॉर्मूला अपनाता है, तो हाँ भाई वो जागा और उससे हरा दिया। एंड इनफैक्ट भाई इसकी चिप्स इतनी ज्यादा खतरनाक है ना कि भाई किसी को भी वहां पे चिपकाते और भाई मान जाएगा, बस इसे सर यूज करना नहीं आता। मैं हैरान हूँ यार तुम मेयर भी यूज कर, तू खुद बैटमैन भी यूज कर, इसने ब्रूस वेन भी यूज किया था, मुझे समझ नहीं आ रहा साला उसका फायदा क्यों नहीं उठाया, मेरे पास यार तुमने पैसे लेने के लिए भाई उसे कंट्रोल किया, ब्रो तू कुछ भी कर सकते इस पावर के साथ, लेकिन चल यार कोई दिक्कत नहीं है भाई, बंदा प्यार में अंधा हो ही जाता है, उसे पैसों से प्यार हो जाता है, लेकिन चूतिया निकला साला भाई, मेरे पास ये गैजेट और मैं कसम से पूरी दुनिया पे राज मारू। वेट ए मिनट, कुछ नहीं कहा, अबे कौन है अबे? एफबीआई ओपन अप।